लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री वाले बयान ने नवी मुंबई की राजनीति गर्मा दी है। एनसीपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसे मुंगेरी लाल का सपना करार देते हुए बड़ी टिप्पणी की है। आज इस पर तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि सत्ता के लिए गद्दारी करने वाले महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके पास कितने कार्यकर्ता, कितने समर्थक और कितना जनाधार है। विजय घाटे ने कहा कि नवी मुंबई में एनसीपी और कांग्रेस की नैया डूब रही है, इसलिए अशोक गावड़े और संतोष शेट्टी को बीजेपी की बजाय अपनी पार्टी और खुद के अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। गणेश नाईक साहब आहेत, तुम्ही आहेत, पाटील साहेब आहेत, आमचे नरेंद्र आहेत, तुमच्या सारखे नेते पाठीशी असल्यामुळे मला एकही दिवस जाणवलं नाही की मी मुख्यमंत्री नाही। मला असं वाटतं मी आजही मुख्यमंत्रीच आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही मला त्याची कमतरता जाणवू दिली नाही। आणि शेवटी मनुष्य कुठल्या पदावर आहे महत्वाचं नाही, तो काय करतोय महत्वाचं आहे। गेले 2 वर्ष एकही दिवस घरात न थांबता मी जनतेच्या सेवेमध्ये आहे, त्याच्यामुळे मला कधीही जनतेने जाणवू दिलं नाही की आता मी मुख्यमंत्री नाहीये। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री वाले इसी बयान ने नवी मुंबई की राजनीति गर्मा दी है। एनसीपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को मुंगेरी लाल का सपना करार दिया है। इस पर बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने आज तगड़ा पलटवार किया। विजय घाटे की प्रतिक्रिया दिखाया उससे पहले कांग्रेस नेता संतोष शेट्टी और एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े की वो टिप्पणी भी सुन लीजिए। हा एक जातीयवादी किंवा स्वयंघोषित पक्ष आहे। 2 वर्षापूर्वी ज्यावेळी निवडणुकाचा काळ होता त्यामध्ये ते बोलायचे, मीच येणार, मीच येणार, मीच येणार। आत्तासुद्धा ते विरोधी पक्ष नेते आहेत आणि ते म्हणतात मीच मुख्यमंत्री आहे, मीच मुख्यमंत्री आहे। याचं विशेष वाटतं, हसावं की रडावं तोही प्रश्न पडतो। जनतेने त्यांना बाजूला ठेवलं, इलेक्शनच्या अगोदर ओरडत होता मीच स्वराज, मीच मुख्यमंत्री, मीच मुख्यमंत्री। ये मुंगेरीलाल असीम स्वप्न आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना येणाऱ्या दिवसामध्ये एकत्र लढला, विधानसभा असेल, येणारा स्थानिक स्वराज संस्था असेल, बीजेपी नकाशामध्ये दिसणार नाही महाराष्ट्राची। जी हाँ, यही वो टिप्पणी है जिसके लिए बीजेपी नेता विजय घाटे ने एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े और संतोष शेट्टी को आईना दिखाया है। घाटे ने कहा कि जनता के साथ विश्वासघात और गद्दारी कर सत्ता हासिल करने वाली महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अपने काम और नाम पर बची रहेगी, लेकिन टिप्पणी करने वाले एनसीपी और कांग्रेस नेता कैसे बचेंगे जिनके साथ न तो जनाधार है, न कार्यकर्ता हैं और न ही समर्थक हैं। इसलिए उन्हें अपना अस्तित्व बचाने की चिंता करनी चाहिए। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी जब नवी मुंबई में आए थे तब उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी लोगों के बीच में जब जाता हूँ और जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ तब जाके लोगों का प्यार और हमारे नेतृत्व का जो साथ उनको मिल रहा है उस वजह से मुख्यमंत्री होना नहीं होना ये एहसास रखते ही नहीं है वो, तो ये उनका कहना था। और चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था मी पुनः यही, और हकीकत में जनता ने विश्वास रख के उनको पूरा मौका दिया। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से गंदी राजनीति और सत्ता हथिया ली, ये एक छल कपट की अलाउद्दीन खिलजी वाली राजनीति है। दूसरी बात यह है कि जो एनसीपी और कांग्रेस के नेता नवी मुंबई में बात कर रहे हैं वो खुद के अपने गिरेबान में तो झांक ले, अपनी पार्टी कितनी बची हुई है, नवी मुंबई में उसकी क्या हालात है, उनके पीछे कोई है या नहीं है, जनता उनको इस बार चुन के देगी कि नहीं देगी। अब जिन्होंने आरोप लगाया हुआ है आज उनका अस्तित्व दाव पे लगा हुआ है, ना उनके पीछे कार्यकर्ता बचे हुए, ना पार्टी बची हुई, आने वाले वक्त में जनता उसका भी जवाब देगी। विजय घाटे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी
वे जनता के लिए उसी भावना के साथ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नवीमुंबई में बीजेपी के दोनों विधायक मंदाताई महात्रे और गणेश नाइक दिन रात जनता को मदद और सेवाएं देने में जुटे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार, उसके मंत्री और नेता सिर्फ राजनीति करने में जुटे हैं। विजय घाटे ने यह भी चेतावनी दी कि गद्दारी के दम पर सत्ता हासिल करने वालों को अगले महानगर पालिका चुनाव में जनता बड़ा जवाब देने वाली है। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री है करके महसूस हो रहा है आज भी, और हकीकत में जनता ने विश्वास रख के उनको पूरा चांस मौका दिया। और पंडरपुर का जो बाई इलेक्शन हुआ था, जनता ने महाविकास आघाड़ी के तीनों लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई जीती, जनता ने उनको जितवाई, उसके ऊपर से समझ में आना चाहिए। जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया हुआ है कि महाविकास आघाड़ी को स्क्रैप किया हुआ है। आने वाले चुनाव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आप पैनल लगा दीजिए, दो का पैनल लगा दीजिए, तीन का कर दीजिए या सिंगल कर लीजिए। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही नवी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।